नमस्कार, स्वागत है आपका जीवी न्यूज में। जबलपुर के कटंगी क्षेत्र से आए हुए मुकेश राहुल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए मांग की है कि उनके क्षेत्र में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व आए दिन उनके परिवार एवं उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत मुकेश साहू के द्वारा कई बार कटंगी थाने में दी गई है, लेकिन कटंगी थाने की पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुकेश साहू एसपी ऑफिस में भी पति पत्नी दोनों आकर कई बार शिकायत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने आज फिर एसपी के सामने उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। लोग कटंगी थाने से आए हैं, हम लोगों का है 24 तारीख का मामला, उसमें सुनवाई नहीं कर रहे, टीआई साहब बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। गलत रिपोर्ट लिखी है। क्या मामला है? मामला ये है कि वो हम लोगों को गांव में आके धमकाती हैं। कौन लोग? भगवत पटेल है, दिनेश पटेल है, दिलीप पटेल है, महेंद्र पटेल है, पारस पटेल है, दिलीप पटेल है। ये लोग हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है और हम लोग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो 155 की मामला बनाता है। अच्छा, एक इसकी शिकायत की आपने पहले? हम लोगों ने इन्हीं की शिकायत की थी, टीआई साहब से बोला था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी फिर से दोबारा फिर आया भगवत पटेल, बंदूक मारने, गोली जान से मारने की धमकी दे रहा था अंदर घर के अंदर आके। आपने एसपी के यहाँ आए थे, जनसुनवाई में क्या हुआ फिर? जनसुनवाई में बोला रहा है एसपी साहब ने, टीआई साहब को बोला रहा कि क्या कहते हैं रिपोर्ट लिखी जाए, लेकिन हम लोग कार्रवाई करी की जाए उनके खिलाफ। तो हम लोग वहाँ पे गए थे टीआई साहब के पास, तो उन लोगों ने आवेदन बनवा के बोला कि आवेदन बनाइए आप, तो हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, तो मैंने एक लड़के को बुलाया और उससे आवेदन बनवाया। उन्होंने बोला कि एफआईआर आपकी पक्की होगी, और एफआईआर पक्की नहीं लिखी, आवेदन बनवा के दस्तखत करवा के और रख ली। अब क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों को धारा लगे और कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई। आपका नाम बताओ? मेरा नाम है मुकेश कुमार साहू, और मैं जब और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहे डीवी न्यूज में।